धरती के अंग अंग पर रंग शहीदों ने डाले, जिस धरती के अंग अंग पर रंग शहीदों ने डाले, उस धरती को दाग लगे ना, हो उस धरती को दाग लगे ना, देख वतन के रखवाले, वतन के अहिंसा इसकी बोली, प्रेम अहिंसा इसकी बोली, गूंजे कहीं सूफी की अदा, कहीं गाए भजन संतों की टोली, सांझ सवेरे इसके सर पर, हो सांझ सवेरे इसके सर पर गंगा जमुना आंचल डाले, जिस धरती के अंग अंग पर रंग शहीदों ने डाले, उस धरती को दाग लगे ना, देख वतन के रखवाले, वतन के रखवाले, वतन के रखवाले, वतन के रखवाले, वतन के रखवाले। पाय लागू नानी जी, आइए 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 आइए, वेलकम वेलकम वेलकम, आओ बेटा, शाबाश शाबाश शाबाश, आओ चलो आइए। रो मत बेटी, रो मत, जो रहा था वो तो हो गया, न जाने वो कौन सी मरूस घड़ी थी कि मेरे भाई की कार का एक्सीडेंट हो गया। मेरे सीने में भी अपने भाई की मौत का गम है, दुख है, लेकिन क्या करूं बेटी, तुम्हारे पिता की इच्छा के कारण मजबूर, उनकी यही इच्छा थी कि आज के दिन इस शुभ घड़ी पर तुम्हारी शादी राजपुरी के बेटे नरेश से हो। बेटी, जिस तरह मैंने तुम्हारे पिता की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए अपना सर चुका दिया है, उसी तरह तुम भी अपना सर चुका दो और अपने पिता की आत्मा को शांति पहुंचाओ। चलो बेटी चलो। सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी। कांग्रेचुलेशन डॉक्टर, थैंक यू सर, मुबारक हो पूरी साहब। शुभ्रिया, थैंक यू। गरुड़ ध्वजा मंगलम पुंडरी का छे मंगलाय। अब आप दोनों पैरों के लिए खड़े हो जाइए। ओम सूर्य देवताय हेलो। कौन है तुम? मैं राधा का पति हूँ, ये शादी नहीं हो सकती। राधा, मैं तुम्हारा पति हूँ, मेरे जिंदा हो तो मैं दूसरी शादी नहीं कर सकती। शट अप। कौन बकवास है ये?
इसे धक्के मार के मार निकाल दो। खबरदार, अगर किसी ने भी मुझे हाथ लगाने की कोशिश की तो इस लगन मंडप की आग में सबकी चिता जला डालूंगा। खामोश, आगे कोई हरकत की तो मैं तुम्हें हवालात में बंद कर दूंगा। I'm sorry sir, मुझे खुशी है कि इन गैर कानूनी लोगों में कम से कम एक कानून का नुमाइंदा यहाँ मौजूद है। आप ही देखिए सर, ये लोग मेरे साथ कितना बड़ा अन्याय कर रहे हैं। मेरी पत्नी की दोबारा शादी करवा रहे हैं। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि राधा तुम्हारी पत्नी है? ये रहा हमारा मैरिज सर्टिफिकेट। सावन, यस सर, रजिस्ट्रार साहब को बुलाकर लाओ और साथ में रजिस्टर भी लाओ। ओके सर। तुम्हारी शादी में गवाह कौन कौन थे? नंबर एक मिस्टर पीटर फर्नांडिस, सरकारी लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल। सॉरी अरुण, मुझे आने में देर हो गई। आप सही वक्त पर आए हैं। अब आप ही ने हमारी शादी के बारे में बताइए। प्रिंसिपल साहब, ये जो कह रहे हैं सच है? बिल्कुल सच है। क्या? अरुण और राधा की शादी हो चुकी है। दे आर हस्बैंड एंड वाइफ, दोनों पति पत्नी हैं। ये झूठ है, नाटक है, मेरी कोई शादी वादी नहीं हुई। माय डियर चाइल्ड, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? तुमने खुद आकर मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि तुम अरुण से शादी करना चाहती हो, और ये भी कहा था कि शादी के बाद अपने डैडी को मना लोगी। अरे ये दोनों मेरे स्टूडेंट्स हैं, इसलिए मैं राजी हो गया। माय गॉड, चाचा जी ये सब झूठ है। मैं भगवान की कसम खा के कहती हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं जानता हूँ बेटी, मैं जानता हूँ। मिस्टर फर्नांडिस, ताज्जुब है कि आप लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल होकर भी इतने बड़े झूठ को सच साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। नो डॉक्टर, जो सच है मैं उसी सच को साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ। साहब ले आया। सॉरी रजिस्ट्रार साहब, मैंने आपको तकलीफ दी है। इट्स ऑल राइट, इन दोनों की शादी मैंने ही करवाई। चाचा जी, लेकिन ये देखिए, इन दोनों के दस्तखत मौजूद हैं। माय गॉड। राधा जी, जरा यहाँ आना बेटी। जी। ये दस्तखत तुम्हारे हैं? हाँ, दस्तखत तो मेरे ही हैं, लेकिन लेकिन मैंने किए नहीं। कमिश्नर साहब, शादी की शुभ घड़ी गुजरती जा रही है, कहाँ इस लुच्चे की बातों में आ रहे हैं? हमारी इज्जत का सवाल है, गिरफ्तार कर लीजिए। आई एम सॉरी मिस्टर राजपुरी, इनके यहाँ सबूत और गवाह मौजूद है जिससे ये साबित होता है ये दोनों कानूनन एक दूसरे के पति पत्नी बन चुके हैं, लिहाजा ये शादी रोक दी जाए, वरना मुझे आप लोगों को एक शादीशुदा आदमी को धोखा देने और उसकी पत्नी को दोबारा दुल्हन बनाने के जुर्म में गिरफ्तार करना पड़ेगा। जी जी हाँ। नहीं, नहीं, ये मेरा पति नहीं है, ये धोखेबाज है, बदमाश है, ये मेरा पति नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, इट्स माय ड्यूटी। रुक जाओ, यहाँ क्यों आए आप लोग? राजा से मिलने आए हैं। जी नहीं, राधा से कोई नहीं मिल सकता। तुम कौन होते मुझे रोकने वाले? ये मेरे भाई का घर है और ये मेरे स्वर्गीय ससुर का घर है। यहाँ की हर चीज की रखवाली करना मेरा फर्ज भी है और कानूनन हक भी, इसीलिए मेरी इजाजत के बगैर आइंदा आप लोग इस घर की दहलीज पर कदम मत रखिएगा, वरना आपकी इज्जत पर बेइज्जती का दाग लग जाएगा। आई बात समझ में? बेटे, मैं तो राधा का चाचा हूँ और तुम्हारा चाचा सुसर, भला मेरे उससे मिलने से तुम्हें क्या इतराज हो सकता? चाचा, मामा, काका, मैं कुछ नहीं जानता। मैंने जो कह दिया सो कह दिया। राधा अपनी याददाश्त खो बैठी है और गुस्से में भी है, हो सकता है आपको पहचानने से इनकार कर दे, मार बैठे, और ये उम्र आपकी मार खाने की नहीं है, समझ गया ना? लेकिन बेटे, अगर उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है तो मेरा उससे मिलना और भी जरूरी है, क्योंकि मैं दिमाग का डॉक्टर हूँ। आप पागलों के डॉक्टर हैं। हाँ, और मेरी बीवी पागल नहीं है, सिर्फ अपनी याददाश्त खो बैठी है, इसीलिए आपकी जरूरत नहीं, समझे? अच्छी बात, जाते हैं, क्योंकि आज कानून की छत तुम्हारे सर पे, इसलिए तुम अपनी जहरीली जबान के डंक से हमें डस रहे हो। लेकिन बेटा, जिस दिन ये छत गिर जाएगी और पता चलेगा कि सिर्फ तुम्हारी चाल थी, उस दिन तुम्हारी जबान को मलक से उखाड़ कर गंदी नाली में फेंक देंगे। आई बात समझ में? चल चल चल, फुट। अच्छा, आ जा, देख लेंगे। नहीं 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 नानी, मैं हजार बार कह चुकी हूँ कि वो मेरा पति नहीं है। मैं अपने स्वर्गीय पिता की सौगंध खाकर कहती हूँ कि मैं उसे जानती तक नहीं, मैंने उसे कभी नहीं देखा। ये सब क्या हो रहा है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तू सौगंध खा रही है, वो सबूत दिखा रहा है, मैं किसकी मानूं? आप इस वक्त सिर्फ मेरी बात मानिए नानी माँ। मैं झूठा हो सकता हूँ, लेकिन कानून तो झूठा नहीं हो सकता। पीटर फर्नांडिस जैसे इज्जतदार आदमी, वो तो झूठ नहीं बोल सकते। ये सब झूठ है, बकवास है, इसके पीछे कोई जबरदस्त साजिश है,
ये आदमी फ्रॉड है, गेट आउट यू रास्कल। हाँ शांत हो। रानी जी, इसमें इस बेचारी का कोई कसूर नहीं है। अपने पिता की मौत के सदमे की वजह से अपना दिमागी संतुलन खो बैठी है, अपनी याददाश्त खो चुकी है। What? शांति शांति। नानी जी, मैं कसम खाकर कहता हूँ, हमारी पहली मुलाकात दार्जिलिंग में हुई थी। दार्जिलिंग? और... देखो तुम झूठ। ओहो राधा, बीच में मत बोलो, मुझे भी कुछ बोलने दो। नानी जी, पहली मुलाकात में ही हमने एक दूसरे को पसंद कर लिया, लेकिन इसके पिता राजपुरी के बेटे नरेश से इसकी शादी पक्की कर चुके थे, और इसमें हिम्मत नहीं थी कि उनके सामने जाके मना कर सके, तो इसने कहा चलो रजिस्टर के ऑफिस में जाके शादी कर लेते हैं, और हमने शादी कर ली। क्यों, याद आया राधा? तू बकवास कर, तुम्हारा हाथ दुखने लगेगा। झूठे मक्कार फरेबी, कैसी एक्टिंग करके दिखा रहा है, जैसे सचमुच का वाक्य सुना रहा हो। तू सर पटक के मर जाएगा, फिर भी मैं यही कहूंगी, तू मेरा पति नहीं है, तू मेरा पति नहीं है, नहीं है, नहीं है। वाह राधवा, खूब हिंदुस्तानी पत्नी होने का फर्ज निभा रही हो। जिन हाथों से पति के पैर छूने चाहिए, उन्हीं हाथों से पति के गाल पर चांटे बरसा। कोई बात नहीं, लेकिन एक दिन तुम पछताओगी, जिस दिन मन का अंधकार मिट जाएगा और दिल में पुरानी यादों का सूरज उगेगा, उस दिन तुम इन्हीं हाथों को जोड़कर मुझसे माफी मांगोगी और इसी गाल को प्यार करोगी। आई बात समझ में? मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। मकार फरेबी, आज तूने शहर के तमाम लोगों के बीच मुझे बेइज्जत किया है, इस राजपुरी के मुंह पे जूता मारा है तूने। अरे यार, तू मुझे गलत समझ रहा है मेरे भाई। कैसे ना समझूं? तूने एक शादीशुदा लड़की को मेरी बहू बनाने की हिम्मत की कैसे? मेरे भाई, मेरा विश्वास करो यार, राधा की कोई शादीवादी नहीं हुई, वो आदमी झूठ बोलता है, दैट बास्टर्ड इज अ फ्रॉड। ओके, अगर थोड़ी देर के लिए मैं तेरी बात मान भी लूं, तो ये आदमी है कौन, जाता क्या है? मैं भी नहीं जानता ये आदमी कौन है। मैं बताता हूँ सर, वो आदमी जेलर सूरज प्रकाश का छोटा भाई है। कैदी जो जख्मी हो गया था उसे अस्पताल भेजा क्या? जी साहब। नमस्ते साहब। नमस्ते साहब। क्यों प्रताप सिंह, कैसी है तुम्हारी तबीयत? आपकी कृपा से बिल्कुल ठीक है साहब। अच्छा, बहुत अच्छा। नमस्ते साहब, ये लीजिए हुजूर। अकरम चाचा, दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन तुम ये गुलाब का फूल हमें तोहफे में देना कभी नहीं भूलते। मगर आप भी तो अपनी मुस्कुराहटों और प्यार के फूल हम कैदियों में बांटना कभी नहीं भूलते हुजूर। जेलर साहब। अरे जेलर साहब, ये क्या कर रहे हो, क्या बात है? आप देवता हैं जेलर साहब, मैं तो समझता था मेरी बहन की शादी कभी नहीं हो सकेगी। एक तो गरीबी, दूसरे कातिल की बहन, मुझे मालूम पड़ा आपने खुद जाकर लड़के वालों को राजी किया, मेरी बहन की शादी करवाई, अपने हाथों से उसे डोली में बिठाकर विदा किया। जेलर साहब, मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भुला सकूंगा। जेलर साहब, रामदीन, अगर मैं तुम सबको अपना भाई समझता हूँ, तो तुम्हारी बहन मेरी बहन हुई ना, और अगर मैंने अपनी बहन को डोली में बिठाकर विदा किया है, तो मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया है, तुम पर कोई एहसान नहीं किया, समझे? साहब, घर से मेम साहब का फोन आया है। ओह, नमस्ते साहब। हाँ लक्ष्मी जी, फरमाइए। जेलर साहब, इस दुनिया में जेल के कैदियों के अलावा आपके और भी रिश्तेदार हैं, कभी कभी उन्हें भी याद कर लीजिए। मैं कुछ समझा नहीं। आपका एक छोटा भाई है अरुण, याद तो होगा आपको, आज वो आ रहा है। अच्छा, आपको शायद याद होगा, आज उसका जन्मदिन भी है, मैंने कुछ मेहमानों को बुलाया है, इसीलिए शाम को जल्दी घर पर आ जाइएगा। अरे हुजूर, आप चिंता मत कीजिए, वक्त से पहले आऊंगा और पूरे बंदोबस्त के साथ आऊंगा। बाय बाय। मदन सर, आज शाम का खाना हमारे घर पे होगा, और भाभी को साथ लाना नहीं भूलना। सर कोई खास बात? व्हाट्स द ओकेजन? मेरा छोटा भाई अरुण आ रहा है और आज उसका जन्मदिन है। Thank you.
अपनी असलियत पर आ ही गए ना। अगर चोरी ही करनी थी तो मेरा पति बनने का ढोंग करने की क्या जरूरत थी, मेरी जिंदगी बर्बाद करने की क्या जरूरत थी। निकाल लो चित्तन जी चाहे माल, जो चाहे समेट लो और इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। जिसके कब्जे में पूरा तालाब हो वो दो लोटे पानी चोरी करके क्यों भागेगा। तुम करोड़पति हो और कानूनी तौर पर मैं तुम्हारा पति हूं, फिर मुझे चोरी करने की क्या जरूरत। जो तुम्हारा है वो मेरा है और जो मेरा है वो तुम्हारा। मैं चोरी करने के लिए तुम्हारा पति नहीं बल्कि तुम्हारी हिफाजत करने के लिए बना। आई बात समझ में? ये लो चाबी, जब जरूरत पड़ेगी तब ले लो। इडियट। अकबर। जी मालिक। इस मकान का और इस मकान में रहने वालों का अच्छी तरह से ख्याल रखना, ना कोई बाहर जाने पाए और ना ही कोई बाहर वाला अंदर आने पाए। ठीक है मालिक। आपकी इस तरह टहलने से क्या अरुण जल्दी आ जाएगा? चलिए बैठिए कुछ खा पी लीजिए। नहीं, 6 बजे आने वाला था वो। नालायक निकम्मा, आपने आपको समझता क्या है? उसे मालूम है आज उसका जन्मदिन है, हम मेहमानों को बुलाएंगे और बेचारे मेहमान उसका इंतजार करते करते मायूस होकर चले गए और उस इडियट का अभी तक पता नहीं। इतना लापरवाह और केयरलेस हो गया वो। हो सकता है बेचारा कहीं फंस गया होगा, मुमकिन है गाड़ी खराब हो गई होगी। सुनो लक्ष्मी। हाँ? तुम उसकी बगावत मत करो, तुमने बचपन से उसकी तरफदारी कर करके उसे बिगाड़ दिया। भैया क्यों इतने देर से आए, तुम्हारे भैया कितने परेशान है? ओ भैया क्या हुआ? लक्ष्मी इससे कह दो मुझसे बात मत करे वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या भैया? छोड़ दो मुझे। मगर मेरी बात तो सुनो ना। छोड़ दो भैया, गुस्सा थूक दो ना प्लीज, गुस्सा थूक दो। अच्छा ये तो बताओ, ये वक्त है तुम्हारे घर आने का? भैया मैं क्या करता, मैं ट्रेन से बॉम्बे आ रहा था। हाँ। तुम पुणे में एक दोस्त मिल गया, उसने कहा मैं भी बॉम्बे जा रहा हूँ, मैंने सोचा कंपनी मिल जाएगी तो मैं भी उसकी गाड़ी में बैठ गया। लेकिन खंडाला घाट में उसकी गाड़ी खराब हो, बहुत कोशिश की लेकिन स्टार्ट नहीं हुई। बाद में मैंने ट्रक ड्राइवर से बड़ी मिन्नत करके लिफ्ट मांगी और जानते हो भैया मैं कैसे आया, सामान के ऊपर बैठ के आया। हाँ। देखा मैं कह रही थी ना कोई वजह होगी और वही हुई ना, तुम खावा का चिल्ला रहे। ठीक है आओ केक काटो। चलो चलो केक काटो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे अरुण डियर, हैप्पी बर्थडे टू यू, गॉड ब्लेस यू। भगवान तुम्हें हर मुसीबत हर बुराई से दूर रखे। अरुण ये क्या भैया? ये तुम्हारी भाभी और मेरी तरफ से तुम्हें जन्मदिन का तोहफा। थैंक यू भैया। वाह वाह वाह, रात में चोरी दिन में पूजा। ओ हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, लो प्रसाद लो। अरे चाचा बड़े आए प्रसाद बांटने वाले, तुम दुनिया के हजारों ढोंग कर लो, पुजारी बनो साधु बनो पंडित बनो, लेकिन मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसने वाली। जाल? तुम मेरी भक्ति को जाल कहती हो? बिल्कुल, तुम सिर्फ मेरी दौलत पाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हो। कौन जाने तुमने इस प्रसाद में जहर मिला दिया हो। तुम कुछ भी कर सकते हो, मैं इस घर में नहीं रहने वाली। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। नानी। हाँ
अब हम एक मिनट के लिए भी यहाँ नहीं रह सकते। मगर कहाँ जाएंगे बेटी? कहीं भी जाएंगे मगर यहाँ नहीं रहेंगे। ये आदमी बहुत खतरनाक है, कभी भी हमारी जान ले सकता है। चलो। आप लोग यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। कौन हो तुम? ये हक तुम्हें किसने दिया? मैंने। ये मेरा आदमी, बहुत ही ईमानदार और फरमाबरदार पहरेदार। इसके होते हुए ना ही आप दोनों घर के बाहर जा सकती हैं और ना ही कोई आपको मिलने आ सकता है। तुम हम पर इतना जुल्म क्यों कर रहे हो? मैं मजबूर हूँ नानी, आप बड़ी हैं, समझदार हैं, इसलिए मेहरबानी करके बाहर मत जाइए। और अगर मैं बाहर जाऊँ तो तुम क्या कर लोगे? मैं निर्बल क्या कर सकता हूँ, जो कुछ भी करेगा ये बलवान करेगा। वैसे ये एक बड़े हिंसावादी प्राणी है, चाकू मारने में एक नंबर के माहिर। एक बार कोशिश करके देखो, यही ढेर हो जाओगे। तुम कौन होते हो मुझे मेरे ही घर में फैस करने वाले? तुम्हारा पति। You shut up! अकबर जी, take the man. नहीं। चलो। चलो। जाओ मैं। चलो नानी। चलो। आपके लाडले अरुण जी महाराज जाग चुके हैं या अभी तक नींद की गहराइयों में गोता खा रहे हैं? आहा बेचारा कल रात का थका मांदा आया है, सोने दो उसे। 9:30 बजे तक सोएगा? सुनो लक्ष्मी, ये लड़का ना उसूल का पाबंद है और ना वक्त का। इसकी जिंदगी की लगाम फौरन किसी के हाथ में दे दो, इसकी शादी कर दो, तभी ये सही रास्ते पर आएगा। गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग भैया। मॉर्निंग तो कब की खत्म हो चुकी है, बैठो चाय पियो। अरुण, ये तिलक कैसा? तिलक? ओ, ओ, क्या है भाभी, मैं बताना भूल गया था। मैं रोज सोने से पहले भगवान श्री कृष्ण की पूजा करता हूँ, ये उसी का तिलक है। अरे वाह, सुना जी, मेरा देवर इस जवानी में भी भगवान कृष्ण जी की पूजा करता है। आजकल के नौजवानों की तरह नहीं, जो रात भर घर से गायब रहते हैं। अरे तो भाई किसका है? ये लो, ये अच्छा है। पूजा करता है तो भाई आपका, और गलतियां करे तो देवर मेरा। और नहीं तो क्या? कमाल है। अरे हाँ, मेरा वक्त हो गया, मुझे जाना है। हाँ सुनो, इसके बारे में जो मैंने कहा ना, वो काम और कौन सा काम भाभी? अरे बताओ ना प्लीज। अरे भाभी, भाभी प्लीज बताओ ना। तुम्हारे भैया चाहते हैं कि तुम्हारी फौरन शादी कर दी। शादी? हाँ शादी, और ठीक ही तो कहते हैं वो। मैं भी तुम्हारे लिए ऐसी लड़की ढूंढ कर लाऊंगी जो तुम्हारे भैया की तरह कड़क और उसूल पसंद हो। तुम्हारा ये जो दिमाग है ना, वो 2 दिन में ठीक कर दे। ये देखो। अच्छा तो ये बात है, जनाब छुप छुप कर प्रेम कर बैठे और हमें बताए तक भी नहीं। ओ भाभी क्या? चुप। अब जल्दी से ये बताओ, इस लड़की के माता पिता कौन है, कहाँ रहते हैं? तो मैं आज ही जाकर बात पक्की करके आती हूँ। ओ बोलो। हाँ हाँ, हमने शादी कर ली है। शादी? हमें हमें बताए बगैर? हाँ अरुण, अब तुम बड़े हो गए, इस लायक हो गए हो कि अपनी मर्जी से तुम कुछ भी कर सकते हो। पर तुमने ये कभी सोचा है, ये बात जानने के बाद तुम्हारे भैया के दिल पर क्या गुजरेगी? भाभी वक्त और हालात से इस कदर मजबूर था कि तुम्हें और भैया को बताने का मौका ही नहीं मिला। लड़की की मां बिस्तर पर आखिरी सांस ले रही थी, उनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि उनकी नजरों के सामने हमारी शादी हो जाए, और हमने शादी कर ली। लड़की की मां के मरने के चंद रोज बाद एक कार एक्सीडेंट में उनके पिताजी का भी देहांत हो गया। उन दोनों की मौत के कारण लड़की अपना दिमागी संतुलन खो बैठी है भाभी। ये सब तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? सोचा वक्त देखकर बता दूंगा,
लेकिन आज जब मेरी शादी की बात निकली तो मैंने अपनी कहानी तुम्हारे सामने रख दी। लेकिन भाभी, भैया को मालूम पड़ गया तो कयामत खड़ी कर देंगे, तुम ही भैया को बता दो ना। अब मैं कुछ नहीं बोलने वाली, ये सब तुमने अपने हाथों से किया है ना, खुद ही जाकर उन्हें बताना। भाभी, तुमने जिंदगी भर मेरी वकालत की है, ये आखिरी वकालत और कर दो, इसके बाद मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दूंगा, तुम्हारी कसम भाभी। बस ठीक है ठीक है, मौका देखकर उन्हें समझाने की कोशिश करूंगी। थैंक यू भाभी, थैंक यू। पर इससे मुझे कब मिला रहे हो? बहुत जल्द। मैं आज उस अरुण के बच्चे को जान से मार डालूंगा, उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये क्या पागलपन है नरेश, मोहब्बत की आग में जलकर कोई गलत कदम मत उठाओ, वरना खुद भी जल जाओगे, हमें भी जला बैठोगे। नहीं डैडी, मैं राधा के बगैर नहीं रह सकता। आप हट जाओ डैडी। मैं उस लुटेरे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्यों नहीं छोड़ोगे बेटे? तुम राजपुरी के बेटे हो, राजपुरी ने हाथों की ताकत से कम अकल की ताकत से दुश्मनों के दिलों पर राज किया है, क्यों उसके नापाक खून से अपने हाथों को गंदा करते हो? अरे उसने चाल चली है तो तुम चाल का जवाब चाल से दो ना, खून बहाने की जरूरत है, क्यों नरेंद्र? हाँ बेटा, तुम्हारे डैडी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो फिर आप लोग ही बताइए मैं क्या करूं? देखो, सबसे पहले हमें राधा को उसके कब्जे से निकालना होगा, और फिर राधा की तरफ से कचहरी में तलाक की अपील दर्ज करवानी होगी, और जब राधा को तलाक मिल जाएगा तो समझ लो कि हमने आधी जंग जीत ली। क्यों राज भैया? तुम फौरन राधा को फोन करके हमारा प्लान बता दो। हेलो बेटी, मैं नरेंद्र अंकल बोल रहा हूँ। अंकल, थैंक गॉड, कम से कम आपने फोन तो किया। अंकल, मेरी जिंदगी किस भंवर में फंस गई है? उसने मुझे मेरे घर में कैद करके रखा हुआ है, हम पर पहरा लगा दिया है। लगता है मैं पागल हो जाऊंगी। तुम परेशान मत हो बेटी, हमने इसका सारा इलाज सोच लिया है। तुम सिर्फ एक काम करो, आज रात ठीक 10 बजे किसी भी तरीके से उसकी आंखों में धूल झोंक कर मकान से बाहर निकलो। नरेश अपनी कार में मकान से थोड़ी दूर राइट की तरफ तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा, तुम बस उसके साथ चली आओ, बाकी हम सब संभाल लेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके बाय। अच्छा, अच्छा नानी, मैं चलती हूँ। जल्दी से गाड़ी में बैठो। बेटी आओ। अंकल, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मैं उस कैदखाने से बाहर निकल आई हूँ। अंकल, उस आदमी की बदमाशी का कुछ तो तोड़ ढूंढो, वरना मैं सचमुच पागल हो जाऊंगी। तुम फिक्र मत करो बेटी, यहाँ तुम बिल्कुल महफूज हो, यहाँ वो तो क्या उसके फरिश्ते भी नहीं पहुँच सकते। और ये देखो बेटी, ये खत हमने कमिश्नर के नाम लिखा है, उसमें दरखास्त की कि तुम्हारी जान को सख्त खतरा है और तुम्हें प्रोटेक्शन की जरूरत है, और ये तुम्हारी तरफ से तलाक की अपील हमने तैयार कर ली। तलाक? हाँ बेटी, इसीलिए हम एडवोकेट से मिलने भी जा रहे हैं, इस पर दस्तखत कर दो। उफ, अंकल, जब मेरी उससे शादी नहीं हुई तो तलाक किस बात का लूं? बेटी, हम जानते हैं कि तुम्हारी कोई शादी वादी नहीं हुई, लेकिन उस बदमाश ने कानूनी तौर पर यह साबित कर दिया है कि तुम उसकी पत्नी हो। इसलिए उससे छुटकारा पाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि कानूनी तौर पर तुम्हारा उससे तलाक हो, इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। चलो दस्तखत कर दो। चलो चलो ठीक है, लाइए इस पे भी। हाँ। अब यूं समझ लो बेटी कि तुम बिल्कुल आजाद हो, हम अभी इसी वक्त कमिश्नर साहब के पास जाएंगे और फिर एडवोकेट साहब के पास जाएंगे। अब तुम जाओ, जाकर ऊपर आराम करो। अच्छा, तुम्हारी देखभाल के लिए नरेश यहीं रहेगा। ओके, आओ राज। बाय 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 अंकल। Oh.
क्यों नहीं? तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हारा साया। शरीर जहां जाएगा साया वहां आएगा। बीवी गलत रास्ते पर जाएगी तो पति अपना फर्ज निभाते हुए उसे सही रास्ते पर। आई बात समझ में? वैसे जगह पूरी नहीं है, काफी रोमांटिक है। आओ थोड़ा रोमांस कर ले। छोड़ो मुझे, नरेश, नरेश, नरेश। क्या हुआ राधा? नरेश, देखो वो यहाँ भी आ गया। हराम जादे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को भगा के लाने की? बोल। शराबी ऊपर। नहीं करेगा। फिकर मत करो, जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लक्ष्मी, ये क्या हो रहा है? क्या बात है? ये लड़की कौन है? मैं बताती हूँ, ये जबरदस्ती मेरे पीछे पड़ा हुआ है और कहता है कि मेरा पति है। मैं भगवान की कसम खाकर कहती हूँ, इसका मेरा कोई संबंध नहीं, इसे मैं जानती तक नहीं। क्या अरुण, ये क्या है? भैया, अल्लाह, आपके दूसरे सवालों का जवाब मैं बाद में दूंगा, आप जो सजा देंगे मुझे मंजूर है। जहां तक शादी का सवाल है, ये सचमुच मेरी पत्नी है। तुमने शादी कर ली? जी हाँ भैया, मैंने इनसे रजिस्टर्ड मैरिज की है। प्रिंसिपल फर्नांडिस इस शादी के गवाह हैं। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप उनसे खुद पूछ लीजिए। ये उल्लू का पट्टा फर्नांडिस कौन होता है तुम्हारी शादी करवाने वाला? जब तक मैं तुम्हारा भाई अभी तक जिंदा हूँ। लेकिन उसकी हिम्मत कैसे हुई?
चुप क्यों हो? जवाब क्यों नहीं देते? अरे सुनिए, मैं आपको तुम चुप रहो जी। पहले मैं उस फर्नांडिस के बच्चे की खबर लूंगा, उसके बाद इसे निपटूंगा। हेलो, पीटर फर्नांडिस स्पीकिंग। और मैं सूरज प्रकाश बोल रहा हूँ। ओ सूरज, बोल क्या बात है? क्या ये सच है कि तुमने मेरे भाई की शादी करवाई है? मैंने करवा दी। अरे भाई, मैं तो सिर्फ विटनेस था। वैसे अरुण और राधा की शादी हो चुकी है। तुम कहते हो कि उनकी शादी हो चुकी है। अरुण भी यही कहता है कि उसकी शादी हो चुकी है, लेकिन लड़की इनकार कर रही है। वो कहती है कि उसकी शादी नहीं हुई है। क्यों? ओह, अरे इतनी जोर से मत चिल्ला, मेरे कान का पर्दा फट जाएगा। सुन जरा, जरा ठंडे दिल से सुन, सुन अच्छी तरह से। राधा के फादर की सडनली डेथ हो गई। शौक से वो अपने दिमाग का बैलेंस खो बैठी। अब अगर वो कहे कि उसकी शादी नहीं हुई है या अरुण को नहीं पहचाने, तो अरुण को गलत मत समझना। एक तो मेरे भाई से गलत काम करवाया, ऊपर से ये कह रहे हो कि मैं अपने भाई को गलत ना समझूं। मैं ये पूछता हूं कि ये शादी इतनी जल्दी हुई कैसे? Listen, when two young hearts meet, जब दो जवान लड़का लड़की मिलते हैं तो उनमें प्यार हो जाता है। They fall in love, इसमें समझने की क्या बात है? इसमें वजह कौन पूछता है? समझ में आएगा नहीं? Oh, shut up! Oh, टेलीफोन पर चीख रहा है। कान खोलकर सुन ले अरुण, मैं इस शादी को बिल्कुल नहीं मानता, चाहे तुम कहो, चाहे फर्नांडिस कहे और चाहे कानून कहे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, ये सब इन लोगों की मिली भगत है। प्लीज बिलीव मी, मेरी कोई शादी नहीं हुई। आप मेरा यकीन कीजिए, प्लीज। तुम कहती हो तुम्हारी शादी नहीं हुई है, ये कहता है शादी हो चुकी है, फर्नांडिस कहता है शादी हो चुकी है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता, या तो तुम पागल हो या ये पागल है या मैं पागल हो जाऊं। आप एक मिनट मेरे साथ आइए, मैं बताती हूँ। आइए तो सही, भगवान के लिए कभी मेरी बात मान लीजिए। आइए। आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? तुम्हारे झूठ में एक ही सरदार लॉ कॉलेज का प्रिंसिपल हाँ में हाँ क्यों मिला रहा है? इसके पीछे राज क्या है? मैं इसका जवाब आज सुनकर रहूंगी। बोलो। आओ मेरे साथ। उस रात तुम्हारे पिताजी की तिजोरी से मैंने कोई हीरे जवाहरात नहीं निकाले थे, ये डायरी निकाली थी। खोलो और पढ़ो इसे, पढ़ो, पढ़ो इसमें क्या लिखा है। ऐसे हैं
पत्नी के अंग से पति को हटाने, पत्नी के अंग से पति को हटाने, कौन आएगा अपनी शामत बुलाने, ऐसी पड़ेगी के घर का भी रिश्ता रह रह के सोचेगा, याद नहीं आएगा तेरे मेरे बीच में कौन आएगा, आएगा तो जगह नहीं पाएगा, बहरूपी और बदमाश से डरने की कोई जरूरत नहीं है। इंस्पेक्टर, यही है वो लफंगा, गिरफ्तार कर लीजिए। आप किसे गिरफ्तार करने की बात कर रहे हैं? ये मेरे पति हैं। पति? हाँ अंकल, हम दोनों ने सिविल मैरिज की है। एक्सीडेंट में मैं अपनी याददाश्त खो बैठी, इसीलिए मैं अपनी शादी के बारे में किसी को पता नहीं लगी और ये सब गड़बड़ हो गई। अच्छा, अब अचानक तुम्हारी याददाश्त वापस आई कैसे? वो क्या हुआ भैया? भैया? हाँ नरेश भैया, कल मैं भाग रही थी, भागते भागते गिर पड़ी और गिरते ही मेरी याददाश्त वापस आ गई और मुझे सब कुछ याद आ गया। फिर आपने प्रोटेक्शन के लिए अपील क्यों की? अपील जी, दिखाइए। ये उस राधा की अपील थी जो मदहोश थी और अब इसे उस राधा ने फाड़ा है जो होश में है। I'm really very sorry, Inspector. अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप जा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर, मैं चलता हूँ। अंकल, मेरी वजह से जो आप लोगों को तकलीफ उठानी पड़ी उसके लिए मैं आपसे माफी चाहती हूँ, प्लीज। ससुर जी, अब तो आपको इत्मीनान हो गया होगा कि मैं राधा का पति हूँ, कोई गुस्ताखी हो गई हो तो माफ कर दीजिएगा। और साले साहब, अगर गुस्से में एक हाथ कस के पड़ गया हो या जिस्म का कोई हिस्सा टूट गया हो या हिल गया हो तो माफ कर दीजिएगा। चले राधा। हाँ, अच्छा नरेश भैया, मैं चलती हूँ, बाय। ये क्या हो गया इसे? ये कौन सी गुट्टी पिला दी इसको कि जाने काया पलट हो गई? जवाब दो। मैं क्या जवाब दू? हंसो मत फर्नांडिस, मुझे तुम पे बहुत गुस्सा आ रहा है। क्यों क्यों क्यों? तुम लड़कों को वकालत पढ़ाते हो और खुद गैर कानूनी काम करते हो, तो तुम्हारे स्टूडेंट्स ना जाने क्या करते होंगे। गैर कानूनी किस लिए भाई? अरुण को एक लड़की पसंद आई और उसने शादी कर ली। गैर कानून तो तब होता जब वो राधा को लेकर फरार हो जाता। On the contrary, you should be proud of him. इसने बड़ी शराफत का काम किया है। अरे भाई, कम से कम मुझे तो बताना था। अरे भाई, तुझे क्यों बताता? अपनी जवानी के दिन भूल गया क्या जब लक्ष्मी को पहले नजर में पसंद किया और चुपके से शादी कर ले? कोई नहीं, मत मार, बोल, मुझे बोलने दे। क्यों ना बताऊं भाई, इसी शरीफ आदमी ने तेरे माँ बाप को राजी किया था और आज यही शरीफ आदमी तुझे समझा रहा है तेरे भाई के लिए। अरे वाह, क्या शरीफ बन रहे हो तुम। सुनो राधा, ये इतने 420 थे, इनकी माँ की नजर कमजोर थी, ये अपनी माँ का चश्मा छुपा देते थे और सामने बागीचे में बैठकर घंटों फ्लोरी भाभी से इश्क फरमाया करते थे। क्यों भाभी? Exactly. अब बोलो। Everything is fair in love and war. Isn't it so? अरुण, ये कौन है? पीटर अंकल का बेटा, मेरा दोस्त।
मेरा भाई कहाँ है वो? अरे कंट्रोल यर्सेल्फ प्लीज, क्या हुआ अंकल? प्लीज कंट्रोल यर्सेल्फ। क्या हुआ इन्हें? मैंने कोई गलत बात तो नहीं कह दी? वेरी सॉरी, आई एम सॉरी आंटी। नहीं बेटी, तुमने कोई गलत बात नहीं की है। दिस इज डेस्टिनी, डेस्टिनी। जब भी कोई जॉन के बारे में पूछता है तो फ्लोरी इमोशन हो जाती है और रो पड़ती है, क्योंकि उसका खून हो गया था। हाँ बेटे, माय गॉड, वो एक सच्चा देशभक्त था। ही वाज अ ट्रू नेशनलिस्ट। उसके जिंदगी का एक ही एम था, एक ही मकसद था कि देश के गद्दारों को खत्म कर दे, टेररिज्म को खत्म कर दे, चाहे इसमें उसकी जान ही क्यों न चली जाए। वो आईटी के लिए काम करता था। पुलिस को सीक्रेटली एक एक इंफॉर्मेशन दिया करता था। वो जानता था एक न एक दिन उन्हें पता चल जाएगा और उसे मार डालेंगे, और वही हुआ। मेरे बेटे को उन लोगों ने मारकर उसकी लाश घर के बाहर फेंक दी। बट आई एम प्राउड ऑफ हिम, आई एम रियली प्राउड ऑफ हिम। हेलो, मैं सूर्य प्रकाश बोल रहा हूँ। बोलो क्या? मैं अभी आया। काट के रख दूंगा। महावीर, कुल्हाड़ा फेंक दो। हरकिस हरकिस नहीं, मैंने कहा फेंक दो। काट नहीं, फेंक दो वरना मैं गोली मार दूंगा। मदर, डोंट शूट। रुक जाइए जनरल साहब, रुक जाइए वरना टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। रुक जाइए जनरल साहब। भगवान, हे भगवान, भगवान। महावीर, तुम बार बार ऐसी हरकत क्यों करते हो? तुम जेल से क्यों भागना चाहते हो? जेल साहब, मेरे सीने में एक आग सुलग रही है। आग बुझेगी उस शैतान का खून करके बुझेगी। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ जेलर साहब। मैं वादा करता हूँ, मैं कसम खाता हूँ, मुझे एक बार इस जेल से बाहर जाने दीजिए। जैसे मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया, जैसे मैंने उस हरामजादे का खून कर दिया, जैसे मेरे मन की भड़ास पूरी हो गई, मैं आपके कदमों में हाजिर हो जाऊंगा जेलर साहब। महावीर, कानून तोड़ने में तुम मेरी मदद मत मांगो। मेरा फर्ज कानून की हिफाजत करना है। और मेरा फर्ज उस पापी का खून करना है जेलर साहब। जब तक मैं उसका खून नहीं कर लूंगा, ना मुझे नींद आएगी, ना मुझे मौत आएगी। जज्बात के गुलाम मत बनो। मन की आग बुझाने के लिए अपनी आत्मा को मत जलाओ। मन पर काबू रखो। आओ मेरे साथ, आओ। अरे क्या करता है? छोड़।
छोड़े तमीज, सुबह शाम कायरों की तरह अपने आप को शराब में डूबे रखता है। अरे मर्द होकर एक लड़की के लिए अपने आप को शराब की बोतल में कैद किए हुए। हाँ, एक लड़की के लिए, वो लड़की मेरी जिंदगी है और मेरी जिंदगी मुझसे छीन कर एक दुश्मन ले गया और मैं तमाशा देखता रहा। आप लोग इस शहर के, इस देश के इतने नामचन लोग और आप सब देखते रह गए। मैं शराब में डूब रहा हूं और आप लोग चुल्लू भर पानी में डूब मरिए। अरे अपने आप को संभालो बेटे जी, क्या कर रहे हो हैं? अगर तुम ऐसे हरकतें करोगे तो जरा सोचो तुम्हारे डैडी पर क्या बीते। ये करोड़ों रुपए की जायदाद, इतनी बड़ी अंपायर, इसने किसके लिए बनाई है? तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना दौलत ना अंपायर, मुझे सिर्फ राधा चाहिए, वरना मैं उसके घर में घुसकर उसको और अरुण को जान से मार डालूंगा। अरे ये मुझे सिर्फ राधा चाहिए। क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हांगकांग से मिस्टर कोया का फोन है। कोया जी? हेलो कोया, गुड इवनिंग टू यू। गुड इवनिंग। कल मेडिसिंस बाय बोट पहुंच रही हैं और मैं बाय हेलीकॉप्टर। जी, मेडिसिंस उतारने का पूरा इंतजाम करके रखना। पूरा इंतजाम करके रखूंगा, डोंट वरी। क्या हुआ? कल कोया माल भेज रहा है और अपने हेलीकॉप्टर से आ रहा है हमारे आइलैंड पर। आई सी। How are you? Fine, thank you. Naughty boy. Kaise hain, doctor saab? Sir, everything okay? Everything is wonderful. Very come on, let's go. Nice. लोगों के लिए एकदम लेटेस्ट हर किस्म के हथियार मंगवाए गए हैं ताकि हमारे मिशन में किसी किस्म की नाकामयाबी या रुकावट ना आए। नेवर। बिल्कुल नहीं आएगी सर। शाबाश शाबाश शाबाश। अब तुम सब लोग एक्शन के लिए तैयार हो जाओ। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का काम है गरीब देशों को कुचलना, उन्हें अपना गुलाम बनाना, तरक्की करते हुए देशों की तरक्की को बर्बादी में बदलना, उनके नौजवानों को पैसा देकर खरीदना, ड्रग्स और नशीली दवाओं का आदि बनाकर उस देश की बुनियादों को खोखला करना। राइट मिस्टर कोया, हम भी तो वही करते आए हैं और आज तक आपकी तरफ से जो भी ऑर्डर मिला है हमने वक्त से पहले पूरा किया उसको। इसीलिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों के कारनामों से बहुत खुश है। शुक्रिया। और इस मर्तबा हम आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी डील लेकर आए हैं, 50 करोड़ की। फरमाइए। एक विदेशी ट्रेड डेलीगेशन यहाँ हिंदुस्तान आया हुआ है और यहाँ के टूर्स होटल में ठहरा है। कल ये डेलीगेशन मंत्रालय में दोनों देशों के बीच व्यापारिक समझौते करवाएगा। यही हमारी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चाहती। हम चाहते हैं कि उस मीटिंग के होने से पहले तुम लोग उन डेलीगेट्स को खत्म कर दो ताकि हिंदुस्तान के ताल्लुकात उस देश के साथ हमेशा के लिए टूट जाएं। लो आ गए। गुड मॉर्निंग मिस्टर ब्राउन। गुड मॉर्निंग मिस्टर सर्वन। मीट माय क्लीग मिस्टर राव। हेलो, ग्लैड टू मीट यू मिस्टर बिग। How are you? Shall we proceed? Of course. Please. Mr. Soman, I've gone to the paper. आज हम बहुत खुश हैं डॉक्टर साहब, आपसे और आपके कारनामों से। वाह, ब्रेवो, सुपर्ब माय बॉय।
क्रेडिट गोज टू माय बॉयज हियर। आज मेरे बॉयज ने हमारे मिशन को कामयाबी की पहली सीढ़ी पर पहुंचा दिया। कम ऑन एंजॉय योरसेल्फ। भगवान तुम्हें हमेशा सुखी रखे बहन। चोट खाया हुआ है, मन में नफरत की आग भरी है, सर पर खून सवार है, इसलिए अलग रहता है, किसी से बात नहीं करता। राखी नहीं बंधवाओगे भैया? क्या हुआ? मुझसे कोई गलती हो गई? मैंने तुम्हारे दिल के किसी पुराने जख्मों को छू लिया है? ऐसा है तो मुझे माफ कर दो भैया। नहीं बहन, नहीं, ऐसा मत कहो। दरअसल भाई का शब्द मेरे दिमाग के नस नस को चीर कर चला गया। मैं थोड़ी देर के लिए पागल हो गया था। मुझे माफ कर दो भैया, मुझे माफ कर दो। ऐसी कौन सी दुर्घटना हुई थी? जालिम वैशी दरिंदों की दुनिया ने मेरा सब कुछ जला दिया। उस मासूम जबान को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया, जो मुझे कभी भाई कहकर पुकारा करती थी, जो मेरी सब कुछ थी, मेरी जिंदगी थी, मेरी सांस थी। वो एक मुस्कुराहट में मैं अपने सब गम डुबो दिया करता था। वो नन्ही सी जान 4 साल की थी जब मेरी मरती हुई माँ उसे मेरी झोली में डालकर चली गई। बेटे, मेरा अंत समय करीब आ गया है। अब तेरी बहन को मैं तेरे हवाले करके जा रही हूँ। तू ही इसका बाप, तू ही इसकी माँ, सब कुछ। भैया, 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 क्या बात है? नीचे आओ। इतनी घबराई क्यों है? क्या बात है? अरे भैया, आज के दिन भी काम ही करते रहोगे क्या? क्यों, आज क्या बात है आज? अरे बुद्धू, आज राखी का दिन है। अरे मैं तो भूल ही गया था। अब घर चलो, अपना हुलिया बदलो और राखी बंधवा लो। चल चल। खुशियों का मेला, भाई मोहब्बत हंगे।
खाली मेरी अपनी ही नहीं तू, जीवन भी है जान भी तू, माता भी तू, पिता भी तू, बहना भी मां भी तू, तेरे सिवा मेरा कौन है भैया, तेरे सिवा मेरा कौन है भैया, मेरा तो भगवान भी तू, मैंने दिल कहा। विमले जी भैया। ओ विमले, अरे ये क्या, आज काम पर नहीं जाओगे? नहीं। क्यों? क्या बताऊं बहन, रात माँ सपने में आई थी, कहने लगी गधे नालायक अंधा हो गया है, घर में जवान बहन बैठी है, उसकी शादी की क्यों फिक्र है? मैंने कहा माँ जी है क्या करता है, रखे थप्पड़ मेरे मुंह पे मारा, मेरी दाढ़ हिल गई। मैंने कहा माँ जी मैं सुबह ही जाऊंगा, देख मेरी बिमली बहन मैं चाह रहा हूँ तुम्हारे लिए लड़का। नहीं भैया, मैं कोई शादीवादी नहीं करूंगी। क्यों री, क्यों नहीं करेगी? सुना माँ कह रही मैं शादी नहीं करूंगी, अब तू ही समझा इसे। माँ तू पहले इसको समझा, ये मेरी शादी करके मुझे घर से बाहर निकालना चाहता है, अब तू ही बता मैं अपने भाई से जुदा होकर एक पल भी जी सकती हूँ? अरे पगली मैं कब तुझसे जुदा हो रहा हूँ, मैं तो हमेशा तेरे साथ रहूंगा। देखो संसार में शरीर से साया जुदा हो सकता है, ये तेरा भाई तुझसे कभी जुदा नहीं होगा, तेरी शादी होगी मैं मामा बनूंगा, मैं तेरे बच्चों को खिलाऊंगा, मेला दिखाने ले जाऊंगा, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अरमान है ये, इसी अरमान के सहारे मैं आज तक जिंदा हूँ। भैया मेरी भगवान से एक ही प्रार्थना है कि मेरी अपनी जिंदगी की आखिरी घड़ी तक वो मुझे अपने भाई से कभी जुदा ना करे। अरे पगली आज के दिन क्या बात कर रही है, मैं चाहता हूँ मेरी उम्र भी मेरी बहन को लग जाए। भैया विमला ये देख, ये गहने ये साड़ी माने तुम्हारे लिए संभाल कर रखे थे, अच्छे है ना? हाय सत्यानाश, मौसी ये क्या कर रही है तू, इसको सजा रही है, उसका जुलूस निकाल रही है, ला इधर दे मैं करता हूँ। अरे खाइए ना बहन जी, ठीक से खाइए। तू क्या लड़की की तरह शर्मा रहा है, खाना। चाचा ये है मेरी बहन, मेरी जिंदगी भर की पूंजी। राकेश बेटा अच्छी तरह देख ले। दूर दूर के देख रहा जैसे कहा जाएगा, लेकिन सुनो सा है सुंदर। चाचा हाँ? अगर जबान खामोश हो, आंखों में चमक हो, होंठों में मुस्कुराहट हो, इसका मतलब क्या मतलब? चट मंगनी। अरे शर्मा गई पगली, भागे अंदर। राकेश बड़े लाड प्यार से मैंने अपनी बहन को पाल पोस कर बड़ा किया है, तुमसे एक ही प्रार्थना है मेरी बहन को फूल की तरह रखना। आप फिक्र मत कीजिए, ये मेरा फर्ज है। अच्छा बेटे अब हमें जल्दी से शादी का मुहूर्त निकाल लेना चाहिए। जी, चलते जी, जी, बार, बार, चलो राकेश की माँ। चलिए नमस्ते जी। ओ जी ओरे दुल्हनिया सदके जाऊं मैं, ओ कैसा गबरू दूल्हा है के सदके जाऊं मैं, के गांव में बजेगी शहनाई सदके जाऊं मैं, और डोली में बैठेगी दुल्हनिया सदके जाऊं मैं। अरे तुझे नजर ना लगे, थू 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 बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। अच्छा ये बताओ ये हमारा प्यारा सा खंचकर बहन भी कैसा लगा? समझ गया। अरे एक भूल हो गई, माँ से तो पूछा ही नहीं उसे वो कैसा लगा, चल चल के पूछते हैं। माँ तूने जो जिम्मेदारी मुझे दी थी मैंने आज पूरी कर दी, तूने देखा लड़का पसंद आया, देख देख माँ कितनी खुश है, है ना? अरे क्या हुआ? आज तेरी शादी पक्की होने की खुशी में मैं ये भी भूल गया कि बनवारी लाल को 200 नारियल देने हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ तेरी शादी पक्की हो गई। घर जल्दी आना भैया।
क्या हुआ? पानी खत्म हो गया। Damn it. चलो वहां से पानी ले लेते हैं। ठीक है। अरे भाई कोई है? आपको थोड़ा पानी मिलेगा? कुआ बाहर है, वहां से ले लो। कुएं के पानी से हमारी प्यास नहीं बुझेगी। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है अब तुम्हें हमारी प्यास बुझाओगी। ये क्या बदतमीजी है, चले जाओ यहां से। लाल परी मेरी जान। नहीं जा सकता, मैं तुझे ढूंढ निकालूंगा, मैं तुझे पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा और मैं तुझे ढूंढ कर तेरा कलेजा चीर दूंगा, मैं तेरा पेट फाड़ डालूंगा। राम दादा तुम उससे बचकर नहीं जा सकता, तुम उससे बचकर नहीं जा सकता। मैंने अपनी बहन को चिता पर नहीं लिटाया, बल्कि उसकी चिता की आग को अपने दिल में लगा लिया। जब तक मैं उस दरिंदे को ढूंढ कर खत्म नहीं कर लेता, वो आग मेरे सीने में सुलगती रहेगी। लेकिन क्या करूं जेलर साहब, मैं मजबूर हूं, इस चार दीवारी में कैद हूं, मैं बाहर जा नहीं सकता, अपनी बहन का पता ले नहीं सकता। महावीर, मुझे आज पता चला तुम्हारे दिल में कितना दर्द छुपा हुआ है, कितनी आग सुलग रही है तुम्हारे सीने में। लेकिन महावीर, सब्र करो, सब्र करो। दुनिया में कानून है, इस दुनिया में सूरज को मुट्ठी में छुपाना आसान है, लेकिन एक बार जुर्म करके उसे हमेशा के लिए छुपाना नामुमकिन है। उस जालिम का पता चलेगा और कानून उसे सजा जरूर देगा। नहीं जेलर साहब, उसे कानून सजा नहीं देगा, उसे मैं सजा दूंगा, अपने हाथों से सजा दूंगा। भैया, तुम्हारा दुख मैं समझती हूं, तुम्हारी बहन मरी नहीं, जिंदा है, लक्ष्मी के रूप में तुम्हारे सामने खड़ी है। राखी बंधवा लो भैया। आज तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं,
लेकिन मैं अपनी बहन की खुशी के लिए जान भी दे दूंगा। हाँ, 10 मिनट में आता हूं। हेलो मिस्टर अरुण, तुम? हाँ जीजाजी। जीजाजी, खैरियत तो है? बड़े पीछे जा रहे हो, क्या बात है भाई? बेच नहीं रहा हूँ, बल्कि आप इसकी गलत फहमी मिटाने आया हूँ। आज रक्षाबंधन है ना, इसलिए राधा बहन से राखी बनवाने आया हूँ। राधा बहन राखी? रियली? कसम से। और मैं तो आपसे ये भी रिक्वेस्ट करने आया था कि मेरे खिलाफ आपके दिल में जो नफरत है, जो मैल है, वो निकाल दीजिए। क्या मैं राधा बहन से मिल सकता हूँ? ओ श्योर, भाई बहन के बीच में दीवार बनने वाला मैं कौन हूँ? जरूर मिलिए, ऊपर है। थैंक यू जीजा जी। वेलकम साले। मेरे प्यारे प्यारे साले जी। राधा? तुम? हाँ राधा, मैं तुम्हारा नरेश। मुझे यहाँ देखकर तुम हैरान होगी ना, मैं तुम्हारे उस ढोंगी पति को झांसा देकर तुमसे राखी बंधवाने के बहाने आया हूँ। हाँ तो राधा, तुमने उस लुच्चे को अपना पति क्यों स्वीकार किया? देखो, पहली बात तो ये है कि तुम उनको गाली मत देना, क्योंकि वो मेरे पति हैं। पत्नी अपने पति को बुरा कहने वाले का मुंह नोच लेती है, वैसे भी मेरे नाखून काफी लंबे हैं। आई बात समझ में? तुम झूठी एक्टिंग करके मुझे धोखा नहीं दे सकती। मैं जानता हूँ वो तुम्हारा पति नहीं है, फ्रॉड है। नरेश! देखो राधा, मैं फिर कहता हूँ, उससे मत डरो। तुम सिर्फ बताओ बात क्या है, मैं उसका बैंड बजा दूंगा। हेलो बैंड मास्टर, एक बात कान खोल कर सुन लो बैंड मास्टर, अगर दोबारा तुमने हम दोनों की जिंदगी में फिर से कोई गड़बड़ करने की कोशिश की तो मार मार कर तुम्हारी शक्ल ऐसी बिगाड़ दूंगा कि म्यूजियम वाले भी अपने शोकेस में नहीं रखेंगे। आई बात समझ में? जल्दी से चलते बनो, वरना ऐसी लात मारूंगा कि फुटबॉल की तरह गोल पोस्ट से लटक कर बार बार गोल होते रहो। चलो चलो। साले साहब, व्हाट? अरुण जॉन का दोस्त है? जी हाँ अंकल, आपका ये नकली दामाद हमारे खिलाफ इसलिए है कि हमने पीटर फर्नांडिस के बेटे जॉन को कत्ल कर दिया था, और जॉन अरुण का दोस्त था, इसीलिए अरुण हमसे बदला ले रहा है। आई सी। लेकिन राज, एक बात समझ में नहीं आ रही, ये राधा पहले दिन तो अरुण से दूर भागती थी, उसे नफरत करती थी, लेकिन दूसरे दिन से अपना पति मान लिया, ये क्या गड़बड़ है? अजीब डॉक्टर हो यार, तुमने डॉक्टरी पास की थी या कहीं से नकली सर्टिफिकेट छपवा लिए थे? इतनी सी बात समझ में नहीं आती है। ये चाल है किसकी? पीटर फर्नांडिस की। उसे पकड़ लाओ, वो खुद ही बताएगा कि इस गुत्थी का छेड़ा कहां है। बोलो प्रोफेसर पीटर फर्नांडिस, तुम्हारे और अरुण के दरमियान क्या राज है? क्या अरुण और राधा की शादी हुई है? बोलो। नरेंद्र, ये पीटर फर्नांडिस बहुत चालाक आदमी है। ये दुनिया को कानून सिखाता है, मगर इसे मालूम नहीं कि हम कानून तोड़ने की फैक्ट्री चलाते हैं। इसलिए अपने बुढ़ापे पर रहम खाओ और सीधे से बताओ कि राधा और अरुण की शादी के पीछे क्या राज है। वो राज मैं कभी नहीं बताऊंगा। ये बुढ़ापे का जिद्दी पेड़ है, ऐसे नहीं बोलेगा। इसे मैं बुलवाता हूँ। बोल बुड्ढे, असलियत क्या है? असलियत यह है कि बहुत जल्द अरुण तुम सबको मिटाकर खाक कर देगा। जासू, घबरा मत आंटी, पीटर अंकल आ जाएंगे। 36 घंटे हो गए, पुलिस ने भी तो अभी तक कुछ नहीं किया, पता नहीं वो किस हाल में होंगे। तुम ही बताओ अरुण, मैं क्या करूं? कहीं उन्हें कुछ हो गया तो। नहीं आंटी, ऐसा मत सोचिए, मैं जानता हूं, मैं उन्हें ढूंढ कर लाता हूं। तुम? हां मैं। पीटर फर्नांडिस कहां है? कौन पीटर फर्नांडिस?
गेट आउट फ्रॉम हियर। मैं पीटर फर्नांडिस के बगैर यहां से नहीं। शेरा सुंदर बल्ला कहां मर गए तुम? अपने बाप और उस नरेंद्र प्रताप से कह देना, अगर रात 9 बजे तक पीटर फर्नांडिस घर नहीं पहुंचा तो तुम्हारी पाप की लंका में आग लगा दूंगा। आई बात समझ में? I see। तो उसे पीटर फर्नांडिस चाहिए, वो भी रात 9 बजे से पहले। अच्छी बात है। अरुण, कुछ पता चला? जी। तुमने उन्हें देखा? कहाँ है वो? तुम उन्हें अपने साथ क्यों नहीं लाए? बस थोड़ी देर में पहुंचते होंगे। मैं कसम खाता हूं पीटर अंकल, आपकी और जॉन की मौत का पता लेकर रहूंगा। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि पीटर के इतने खतरनाक दुश्मन भी हैं, लेकिन ये सब कैसे हुआ? ये सब तुम्हारे भाई की वजह से हुआ। क्या? मेरे भाई की वजह से? हाँ, अरुण और राधा की झूठी शादी की वजह से। झूठी शादी? हाँ, पीटर और अरुण रात को छुप छुप के मिलते थे और राधा के बारे में कुछ सीक्रेट बातें किया करते थे। मैंने कितनी बार पूछा कि ये सब क्या है, तो मुझे एक ही जवाब मिलता कि वक्त आने पर सब कुछ बता दूंगा। बताने का वक्त तो नहीं आया, लेकिन बताने वाला चला गया। अरुण, पीटर फर्नांडिस का कत्ल कैसे हुआ? कौन है उसका दुश्मन? तुम्हारी और राधा की शादी कभी हुई भी थी या सिर्फ ढोंग है? मुझे इन सब बातों का जवाब चाहिए अभी और इसी वक्त। भैया प्लीज, मुझे मजबूर मत कीजिए। मैं इस हालत में नहीं हूं कि आपके इन सवालों का जवाब दे सकूं। तुम्हें जवाब देना पड़ेगा अरुण, बताओ। मैं आपको नहीं बता सकता भैया। क्या, अपने भाई को नहीं बता सकते? एहसान फरामोश, इतना बड़ा धोखा दिया तूने मुझे। तूने अपने भाई के अरमानों का, मेरी मोहब्बत का, अपने उस्ताद फरनांडिस का खून किया। ये क्या कर रहे हो? खूनी हो भैया, हो गया आपको। तुम कातिल हो, छोड़ दीजिए। तुम खूनी हो, रुक जाइए। क्या हो? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। ये मेरा भाई नहीं, मेरा दुश्मन है, कातिल है ये। बोल, सच्चाई क्या है? सच्चाई मैं बताती हूँ। सच्चाई ये है कि हमारी शादी नहीं हुई, बल्कि हम शादी का नाटक रचा रहे थे। नाटक? ये क्या बक रही हो तुम? आज मैं सब कुछ बता के रहूंगी अरुण। जब तुम्हारे पिता समान भाई तुम्हें मुजरिम समझ रहे हैं, तुम्हें गुनहगार समझ रहे हैं, तो तुम अपने भाई को सच्चाई क्यों नहीं बता देते? राधा, देखो अरुण, मेरी वजह से तुम दोनों भाइयों के बीच में गलत फहमी की दीवार खड़ी हो गई है। मेरी वजह से तुमने अपनी जान खतरे में डाल दी। अरुण, अगर तुमने इस राज को नहीं खोला तो मैं खोल दूंगी। राधा नहीं। अरुण, मैं हमेशा तुम्हारी वकालत करती आई हूँ, तुम्हारी गलती पर पर्दा डालती आई हूँ। आज मैं पहली बार तुमसे विनती करती हूँ, बोलो सच क्या है अरुण,
बोलो सच क्या है अरुण? तुम्हें मेरे सर की कसम। भाभी, तुम्हारी कसम ने मुझे मजबूर कर दिया, पर ना ये जान भी चली जाती तो ये सामान नहीं खुलती। भैया, एक रोज जब मैं हाईवे से गुजर रहा था तो देखा एक ट्रक जोरों से आया और एक गाड़ी को डैश करके निकल गया, और वो गाड़ी पहाड़ी पर से नीचे गिर गई। ओह माय गॉड, ये सब कैसे हुआ? कौन है आप? मैं, मेरा नाम राजा प्रताप है। मेरा नाम अरुण है। मरने से पहले भगवान ने तुम्हें मेरे पास भेज दिया। बेटा, मेरा एक काम करोगे? बोलिए। मेरी इकलौती बेटी की जिंदगी बर्बाद होने जा रही है। उसकी शादी एक उग्रवादी के साथ हो रही है। वो शादी रुकवा कर मेरी बेटी की जिंदगी बचा लो। कौन है वो? राजपुरी का बेटा नरेश, मेरा भाई डॉक्टर नरेंद्र प्रताप भी उन गद्दारों के साथ मिल गया है। बोलिए, बोलिए। वो लोग देशद्रोही हैं, गद्दार हैं। मेरे नीली डायरी में उनके बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। वो डायरी मेरे कमरे की तिजोरी में। यह है वो डायरी जिसमें राज की सारी बातें लिखी हुई हैं। मैं मेंटल हॉस्पिटल में अपने भाई डॉक्टर नरेंद्र प्रताप से मिलने गया तो मुझे कुछ लोगों की बातें करने की आवाज सुनाई दी। मुझे कुछ शक सा हुआ। मैंने करीब की एक खिड़की से झांका तो देखा मेरा भाई नरेंद्र, राजपुरी और नरेश किसी एक अजनबी से, जो शायद फॉरेनर था, आपस में शक के अंदाज में कुछ बातें कर रहे थे। हथियार तुम तक पहुंच गए हैं, और भी जरूरत पड़े तो मिल जाएंगे। पैसे की चिंता बिल्कुल मत करो, सिर्फ एक बात का ख्याल रहे कि देश के अंदर चारों तरफ आतंक क्या कैसे फैलाई जाए। देश की शांति को खत्म कर दो, लोगों के अंदर दहशत पैदा कर दो, यही हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ऑर्डर है। डोंट वरी मिस कोया, जैसा ऑर्डर है वैसे ही होगा। कम आइए। भाई साहब, आप कब आए? बिल्कुल सही वक्त पर आया नरेंद्र। यह हथियार, यह आतंकवाद, यह सब क्या है? कौन था वो आदमी? जी, वो दिमागी मरीज है, पागल है वो। झूठ मत बोलो। कौन था वो आदमी? क्या संबंध है तुम्हारा उन लोगों से? संबंध? मेरा उन लोगों के साथ कोई संबंध नहीं। आप गलत समझ रहे हैं भाई साहब। देश में इतना कत्लेआम हो रहा है, बेगुनाह मारे जा रहे हैं, जिन्हें पुलिस तलाश कर रही है, उन कातिलों का और उग्रवादियों का अड्डा ये तुम्हारा हॉस्पिटल है? नहीं भाई साहब, मैंने कहा था। मैं तुम्हारी असलियत पहचान गया हूं नरेंद्र। मेरा भाई एक उग्रवादी, और ये राजपुरी और उसका बेटा नरेश, ये हैं इस देश के गद्दार, मासूम और बेगुनाहों का खून बहाने। और तुम उसके बेटे नरेश से मेरी बेटी राधा की शादी करवाना चाह रहे थे? नहीं, अब यह शादी नहीं होगी। मैं अभी पुलिस को खबर करके तुम सबको जेल भिजवा कर रहूंगा। नहीं नहीं भाई साहब, नहीं भाई साहब, ऐसा मत कीजिएगा। पुलिस को खबर मत कीजिएगा भाई साहब। दरअसल उन लोगों ने मुझे डराया था, इसलिए मैं मजबूरन उनके साथ थोड़ी देर के लिए मिल गया था। अब मैं भाई साहब उनके साथ बिल्कुल अपना संबंध तोड़ दूंगा। आज के बाद कभी भी मुझे उनके साथ देखें तो मुझे गोली मार दीजिएगा। लेकिन इस बार मुझे माफ कर दीजिएगा भाई साहब, इस बार मुझे माफ कर दीजिए। मैंने अपने भाई को तो माफ कर दिया, लेकिन मेरा जमीर मुझे माफ नहीं कर रहा था। बेचैनी में रात भर सो न सका कि मेरा भाई गद्दारों का साथी है। ये विदेशी हमारे देश की तरक्की को बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए हमें आपस में लड़ाते रहते हैं, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर। और ये गद्दार लोग
नोटों के लिए अपना ईमान बेचने वाले जमीर फरामोश मुल्क का अमन बर्बाद कर रहे हैं। मैंने फैसला कर लिया कि मैं देश की सलामती के लिए अपने भाई तक को कुर्बान कर दूंगा। इसलिए सुबह खुद जाकर होम मिनिस्टर से सारी बातें करने का फैसला किया। और 16 सितंबर के दिन जब राजा प्रताप होम मिनिस्टर से मिलने जा रहे थे तो कार एक्सीडेंट में मरवा दिए गए। अरुण, तो तुम गद्दारों और देशद्रोहियों के खिलाफ लड़ रहे थे? जी हाँ भैया, सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे साथ जॉन भी था। हम दोनों आईडी के लिए काम करते थे और हमारे डिपार्टमेंट का उसूल है कि अपनी असलियत किसी पर जाहिर ना होने दे, यहां तक अपने माँ बाप भाई बहन किसी पर नहीं। और इसलिए आज तक आपसे हकीकत छुपाता रहा। जॉन और मैंने ये जिंदगी का मकसद बना लिया था कि दहशत की जड़ों को उखाड़ते जाएंगे और गद्दारों को खत्म करते जाएंगे। और इसी जंग में मेरा भाई जैसा दोस्त जॉन शहीद हो गया। पिता समान प्रिंसिपल फर्नांडिस भी शहीद हो गए। मैं जानता हूं भैया, इस रास्ते के हर कदम पर मेरे लिए मौत खड़ी है, लेकिन देश को जिंदगी देने के लिए एक अरुण तो क्या, लाखों अरुण भी कुर्बान हो जाए तो कम है। जेलर सूरज प्रकाश के भाई ने अपने भाई से सच्चाई का यही प्रकाश पाया है। अरुण, आई एम प्राउड ऑफ यू। मुझे तुम पे नाज है, मैंने तुम्हें गलत समझा, तुम पे हाथ उठाया, मुझे माफ कर दो। कैसी बात करते हो भैया, सच्चाई के लिए हाथ उठाने वाला भाई भी इस दुनिया में किसको नसीब होता है। मैं तो वो किस्मत वाला हूं कि मुझे आप जैसा भाई और ऐसी भाभी मिली है। अरुण, अच्छा, तो अरुण इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का आदमी है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट की आंख नाक मुंह और कान है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसे इंक्वायरी के लिए हमारे पीछे लगाया हुआ है। जी सर। तो अरुण और राधा की शादी के पीछे ये राज छुपा हुआ था। इसका मतलब है कि वो हमारे खिलाफ सबूत पैदा करके हमें गिरफ्तार करवाने के चक्कर में है। तो वक्त जाया मत करो और आज उन दोनों को खत्म करवा दो। डैडी, ये काम आप मुझे करने दीजिए, मुझे उन दोनों से किन किन के बदले लेने हैं। ओके, जो कुछ करना है आज ही करो और अकेले नहीं जाओगे। और सुनो, अपने साथ वो 3 शार्प शूटर्स ले जाना मत भूलना, समझे? ओके, जाओ। अरे, क्या हो गया तुम्हें? मुझे तुमसे प्यार हो गया अरुण। आई लव यू, आई लव यू। क्या कर रही हो तुम, पागल हो गई हो? हाँ अरुण, मैं पागल हो गई हूँ। तुम्हारे प्रेम ने मुझे बिल्कुल पागल कर दिया है। याद है अरुण, एक दिन मैंने तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मारा था और तुमने कहा था एक दिन तुम पछताओगी, जिस दिन मन का अंधकार मिट जाएगा तब तुम इन्हीं हाथों को जोड़कर मुझसे माफी मांगोगी और इसी गाल को प्यार करोगी। आई बात समझ में? कुछ बोल जरा, तस्वीर बना क्या सोच रहा, जब प्यार किया इकरार किया, जब प्यार किया इकरार किया, दिल ने फिर क्यों मुश्किल, एक अकेला दिल जिंदगी मुश्किल, लोग बेगाने यहाँ के अनजाने दिल के मंजिल, जब प्यार किया इकरार किया, दिल ने फिर क्यों बेकरार किया, एक अकेला दिल जिंदगी मुश्किल, लोग बेगाने यहाँ के अनजाने दिल के मंजिल, जब प्यार किया
सब खैरियत तो है? उस हरामजादे अरुण ने उन तीनों को मार डाला और नरेश को गिरफ्तार कर लिया। What? Oh my God! ये तो बहुत बुरा हुआ। यार मुझे नरेश की गिरफ्तारी का सख्त अफसोस है, लेकिन अगर उसने पुलिस के टॉर्चर से मजबूर होकर अपनी जबान खोल दी तो क्या मतलब है तुम्हारा? तुम क्या मुझे ऑर्गेनाइजेशन का रूल याद दिला रहे हो कि अगर कोई पकड़ा जाए या उससे पहले कि वो जबान खोले तो उसे पुलिस लगा में जान से मार डालो। चुड़ैल किल मिसन। नहीं नहीं यार, मेरा मेरा बेटा जबान नहीं खोलेगा। वो मेरा बेटा है, उसकी रगों में मेरा जहरीला खून दौड़ रहा है। इससे पहले कि पुलिस उसे टॉर्चर करे या अपनी जबान खोले, मैं उसे पुलिस की कस्टडी से बाहर निकाल लाऊंगा। अपने पिता राजपुरी को तो जानता है, डॉक्टर नरेंद्र प्रताप को तो जानता है, उनके विदेशी दोस्तों को तो जानता है। बोल बोल, कहां के रहने वाला है? बोल बोल। इंस्पेक्टर। यस सर। जिसे सेंट्रल जेल के खास सेल में बंद कर दो, पूरे बंदोबस्त के साथ। इसके साथियों का साया तक नहीं पहुंचना चाहिए। ओके सर। डैम बास्टर्ड। Thank you.
महावीर, ये क्या किया तुमने? मेरा बेटा नहीं मर सकता। हम दादा, उसने जेल में मेरे बेटे को मार डाला और तुम लोग ये मनहूस खबर सुनाने के लिए। मेरे बेटे को कैद करने वाले, उसका कत्ल करने वालों के सारे खानदान को मैं बर्बाद कर डालूंगा, तबाह कर डालूंगा, नहीं छोड़ूंगा मैं। क्या नरेश का कत्ल हो गया? हाँ। ये आप क्या कर रहे हैं भैया? ओ माय गॉड, इस नरेश के जरिए हम पूरे आतंकवादियों के ग्रुप को पकड़ सकते थे, उन्हें खत्म कर सकते थे, इनके पीछे किन किन देशों का हाथ है वो पता लगा सकते थे। सब कुछ खत्म हो गया भैया, सब कुछ खाक में मिल गया। चीज़! चाला नरेश मर गया। जब से पकड़ा गया था सांस अटकी हुई थी, अपनी परछाई से भी डर लग रहा था। अच्छा हुआ साला पुलिस के सामने कुछ उगलने से पहले ही मारा गया। अब बचा है उसका बाप साला राजपुरी, वो भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद हिंदुस्तान की सारी ऑर्गेनाइजेशन का अकेला चीफ मैं, डॉक्टर नरेंद्र। ये सब क्या हो गया भाई साहब? हमारा बेटा नरेश हमें छोड़कर चला गया। ना जाने भगवान ने हमें हमारे कौन से गुनाहों की सजा दी है। मैं अपने भतीजे के गम में पी रहा हूँ और उसी के गम में रो रहा हूँ। लेकिन भाई साहब, अपना बच्चा नरेश मरा नहीं, उसने हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपनी जिंदगी की कुर्बानी दी है। तुम्हें मेरे बेटे की मौत का कितना दुख है वो तो तुम्हारी इन मगरमच्छी आंसुओं से साफ जाहिर है। ये क्या कह रहे? ठीक कह रहा हूँ, मगर अफसोस की बात यह है नरेंद्र कि तुम मेरे बेटे की मौत पर नकली सही मगर आंसू तो बहा रहे हो, लेकिन जब तुम मरोगे तो तुम्हारी मौत पर आंसू बहाने वाला कोई नहीं होगा। मैं कुछ समझा नहीं। नहीं समझे? अभी समझाता हूँ। टाइगर! ये क्या करो नामो खराबो? खामोश! ये सब क्या हो रहा है भाई साहब? कौन भाई साहब? नमक हराम, तूने अपने सगे भाई को धोखा दे के मार दिया, मैं तो फिर भी तेरा नकली भाई साहब हूँ। तू अपनों का नहीं, तेरे देश का ही गद्दार नहीं बल्कि गद्दारों का भी गद्दार है, और तुझ जैसे गद्दार को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। समझा? हमें तुम्हारे बेटे नरेश की मौत का बहुत दुख है, बहुत सदमा है, लेकिन ये डॉक्टर नरेंद्र, ही इज अ चीट, ही इज अ बास्टर्ड। उसका क्या करना है? उसका बाद में सोचेंगे कोया, सबसे पहले मुझे अपने बेटे की मौत का बदला लेना है, अरुण और उसके खानदान से लेना है, और वो भी डॉक्टर नरेंद्र प्रताप के नाम का सहारा लेकर लेना है। आई विल फिनिश देम ऑल। ये क्या हो रहा है? कौन है आप लोग? अरे नानी, हमसे बच के कहाँ जाओगे? चलो सारे कांटे वाले कमरे में। छोड़ दो, इसका मुंह बंद कर दो और काम तो इसे। आज तो तुम्हारे माथे का सिर सिंदूर मिटाया है।
अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो कल तुम्हारा सुहाग मिटा देंगे। अगर तुम अपने सुहाग और अपने परिवार को जिंदा देखना चाहती हो तो अपने उस देवर अरुण से कह दो कि वो डॉक्टर नरेंद्र प्रताप से उलझने की कोशिश ना करे, समझे? चलो। काका, ये सब काका। अरुण, भाभी, 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 ये सब क्या है? कौन आया था यहाँ? बोलो भाभी। डॉक्टर नरेंद्र प्रताप के गुंडे आए थे यहाँ, मुझे धमकी दी। ओह माय गॉड। और मेरे माथे का सिंदूर मिटा कर चले गए। उस कमीने की इतनी हिम्मत, आज मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरुण, नहीं अरुण, वहाँ मत जाना। वो लोग मुझे धमकी देकर गए, अगर मैंने तुम्हें नहीं रोका वो मेरा सुहाग हमेशा के लिए मिटा देंगे। अरे मिट गए मेरी भाभी का सुहाग मिटाने वाले। जब तक अरुण जिंदा है मौत का हाथ भी मेरी भाभी के सिंदूर तक नहीं पहुँच सकता। जिन लोगों ने अपने गंदे हाथों से तुम्हें छुआ है भाभी, मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। मैं उन लोगों को जान से मार डालूंगा भाभी। सूरज प्रकाश है। सुनिए, आप अरुण को रोकिए, डॉक्टर नरेंद्र प्रताप को मारने गया है। डॉक्टर नरेंद्र प्रताप को मारने गया है? लेकिन क्यों? उसके कुछ गुंडों ने यहाँ आकर तोड़ फोड़ की, मुझे धमकी दी। मेरी हालत देखकर अरुण आपे से बाहर हो गया है, वो उसे जान से मार डालेगा। जल्दी कीजिए, वहाँ पहुँचिए प्लीज। कमीने, तूने मेरी माँ जैसी भाभी का अपमान किया है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ले चलो इस देशभक्त को हमारे डेन में। आज इसकी जबान से देशभक्ति और राज दोनों निचोड़ कर हम निकालेंगे। ले चलो इसे। जारो। ले जाओ। ये काय के लिए? ये चेन पुलिस को चकमा देने के लिए काफी है। अरुण, हाँ मैंने इसका खून किया है। लेकिन क्यों? इसलिए कि इसने मेरे दोस्त पीटर फर्नांडिस का खून किया था और आज मैंने इसका बदला ले लिया। मैं अपना जुर्म कबूल करता हूं, मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। रुक जाओ। है पुलिस, नीचे उतरो। हैंड अप। दरवाजा खोलो। चलो। दरवाजा खोलो। दरवाजा खुला है साहब। यू बास्टर्ड, मैं कहता खोलो। व्हाट? वो लोग अरुण को लेकर चले गए और तुम अपना मनुष्य चेहरा लेकर हमारे सामने आए हो।
यू रास्कल। आई एम सॉरी मिस्टर राजपुरे, आपने अपने इर्द गिर्द बेवकूफ और निकम्मे लोगों की फौज इकट्ठी कर रखी है। हमारा सारा प्लान खत्म हो गया। भैया ये सब क्या हो गया है? आपको इस हालत में देखने से पहले मुझे मौत क्यों आ गई? लक्ष्मी हिम्मत से काम लो। भैया मैं जानता हूं आपने ये खून नहीं किया, फिर आपने अपने सर ये इल्जाम क्यों लिया? बोलिए क्यों? तुम्हें बचाने के लिए। मुझे बचाने के लिए? हाँ, तुम्हारा ये चेन मुझे लाश के पास मिला था। आइंदा जज्बात की रौ में आकर ऐसा गलत कदम फिर कभी मत उठाना। ये आप क्या कह रहे हैं भैया? डॉक्टर नरेंद्र का खून मैंने नहीं किया, बल्कि मेरे वहां पहुंचने से पहले उसका खून हो चुका था। मैं जैसे ही लाश के पास पहुंचा, मेरे पीछे से किसी ने वार करके मुझे बेहोश कर दिया, और ये चेन का ड्रामा मुझे फंसाने के लिए खेला गया भैया। मैं अभी हायर अथॉरिटीज के पास जाकर सब कुछ सच सच बता देता हूँ। लेकिन तुम्हारी बात का यकीन कौन करेगा, जबकि मैं अपने जुर्म का इकरार कर चुका हूँ, कानून के सामने अपने बयान दे चुका हूँ। अरुण अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। तो मैं क्या करूँ, आपको इस तरह जेल में सड़ने दूँ? अरुण तुम मेरी चिंता मत करो, अपना कर्तव्य पूरा करो जिसका बीड़ा तुमने उठाया है, और उसे पूरा करने के लिए हमें कुर्बानियां देनी ही पड़ेंगी। जिस तरह अंग्रेजों से आजादी हासिल करने के लिए हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी, आज हमारी आजादी फिर खतरे में है। देश के अंदर छुपे हुए इन गद्दारों और देशद्रोहियों से देश को आजाद कराओ, इस पवित्र धरती से उनका नामो निशान मिटा दो। अरुण जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, जाओ। अरे डॉक्टर नरेंद्र के कातिल जेलर सूरत प्रकाश को 6 साल कैद बामुशक्कत? राजपुरी ये तो उल्टा हो गया। चलो छोटे भाई को फंसाने गए तो बड़ा भाई चक्कर में आ गया, चलेगा। इसी बहाने मेरे दिल को थोड़ा सा सुकून तो मिल गया। अब सूरज प्रकाश अपनी ही जेल में जेलर बनकर नहीं बल्कि कैदी बनकर जाएगा। जेलर साहब, कल तक मैं जेलर था और आज कैदी। हमारे बीच जो वर्दी की दीवार थी वो हट चुकी है, आज से मैं आपका साथी हूं। जेलर साहब, आप जैसे देवता आदमी को इस रूप में देखने से पहले मेरी आंखें फूट क्यों नहीं गईं? मैं मर क्यों नहीं गया? दुख सहते सहते मेरा दिल पत्थर हो गया था जेलर साहब, मेरी आंखों के आंसू सूख गए थे, लेकिन आज आपको इस रूप में देखकर मेरा दिल रो उठा है। मुझे बर्दाश्त नहीं हो तो आपको इस रूप में देखकर जेलर साहब, लेकिन जेलर साहब ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ ये? आबिर वक्त कब किस वक्त कैसी करवट बदलता है ये कोई नहीं जानता। ये सर, मिस्टर अरुण आपसे मिलना चाहते हैं। ओ अरुण, उसे अंदर भेज दो। ओके। आओ आओ अरुण। सर बैठो। क्या बात है? सर मुझे आपकी मदद चाहिए। किस तरह की मदद? सर डॉक्टर नरेंद्र प्रताप की मौत के बाद राजपुरी एकदम गायब हो गया। उसे गिरफ्तार करने के लिए और उसके खतरनाक इरादों को रोकने के लिए
मुझे महावीर की जरूरत है। राजपुरी की गिरफ्तारी से महावीर का क्या संबंध है? संबंध है सर, राजपुरी अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए एक बार महावीर को मारने की नाकाम कोशिश कर चुका है, और मुझे यकीन है सर, महावीर फिर कहीं उसके सामने आ गया तो राजपुरी उसे मारने की कोशिश जरूर करेगा। इसलिए उसे अपने जाल में फंसाने के लिए मुझे कुछ दिनों के लिए महावीर चाहिए सर। इट्स ए पॉइंट। हालांकि एक खतरनाक कातिल को इस तरह आजाद करना बहुत मुश्किल है, फिर भी एज ए स्पेशल केस मैं गवर्नमेंट से परमिशन लेने की पूरी कोशिश करूंगा। वेलकम माय बॉयज, वेलकम माय फ्रेंड। ये वो कमांडोज हैं जिन्हें हमने मिशन के लिए यहां बुलवाया है। जैसे लोगों को फुटबॉल और क्रिकेट खेलने का शौक होता है, उसी तरह इन्हें लोगों की जिंदगियों से खेलने का शौक है। एंड माय बॉयज, ये हमारे हिंदुस्तानी दोस्त हैं। यहां की तबाही और बर्बादी का कॉन्ट्रैक्ट लेने वाले मिस्टर राजपुरी। हेलो, आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई। आज आप लोग आराम कीजिए, कल से आप लोगों को बहुत सारी जिंदगियों से खेलना है। गुड नाइट। तुम्हारे आदमी काफी जानदार लगते हैं। ये जानदार नहीं, भेड़िए हैं। ये खून करते हैं। क्यों करते हैं इन्हें खुद नहीं मालूम। अरे भेड़ियों का तो मैं पुराना आशिक हूँ, और ये इंसान और इंसानियत का तो मैं पैदाइशी दुश्मन हूँ। मेरा बस चले तो मैं इंसानियत का खून ऐसे निचोड़ लूं जैसे लोग किसी फल में से उसका रस निचोड़ लेते हैं। एक्सक्यूज मी सर, सर मैं आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लाया हूँ। महावीर पागल हो गया है और उसे उन लोगों ने हमारी ही मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती किया है। क्या जी? महावीर नहीं, मैक नहीं, महावीर पागल हुआ नहीं है बल्कि उसे पागल किया गया है। क्या अरुण मुझे फांसने के लिए दाना डाल रहा है ताकि मैं उसको चुगने को जाऊं और वो अपने कानून की चोंच से मुझे चुग ले, मगर वो जानता नहीं है कि मैं इतना हरामी हूं कि उसके और उसके कानून की चोंच को तोड़ के रख दूंगा। आहिस्ता आहिस्ता, जल्दबाजी ठीक नहीं, इसका अंजाम बहुत खतरनाक हो सकता है। आई नो मिस्टर कोया, खतरों से खेलना हमारा बिजनेस है, हमारा कारोबार है। हमारे पास मौत की फैक्ट्री है, हम मौत बनाते जाते हैं और सोसाइटी में बेचते जाते हैं। लेकिन अरुण मुझे जिंदा चाहिए, अगर वो मर गया तो पूरा मिशन मर जाएगा। नहीं मिस्टर कोया, अरुण नहीं मरेगा, उसके बदले मैं उसके पूरे खानदान को मार दूंगा। मगर अरुण को लाकर जिंदा अगर तुम्हारे कदमों में न डाला तो मेरा नाम भी राजपुरी नहीं। ग्रेट मिस्टर राजपुरी, ग्रेट। अगर ऐसा करने में तुम कामयाब हो गए तो समझो कि हमारा मिशन बड़ी आसानी से कामयाब हो जाएगा। मैं पागल नहीं हूं, 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 मैं नर्स, नर्स जी मैं पागल नहीं हूं। मैं जानता हूं तुम, मैं पागल नहीं हूं। वहां लेट जाओ, हर नया आने वाला शुरू शुरू में ऐसे ही शोर मचाता है, पकड़ लो इसे। मैं पागल नहीं हूं। तुम पागल हो या नहीं इसका फैसला ये इंजेक्शन करेगा। मुझे मुझे सुन मत लो, पकड़ो इसको। नहीं नहीं, जोर से पकड़ो। नहीं, आए आए नर्स जी। ए, कौन है तू? मैं कौन हूँ? मैं प्रेम नहीं पुजारन हूँ, मोहब्बत की भिखारन हूँ। मारा मजनू, मारा प्रेमी, मारा प्रेमी क्या छे? मारा मजनू क्या छे? क्या छुपारी ने रखा था मैं? मारा मजनू। हूँ है क्या छुपारी लैला? मारा मजनू, मारा मजनू, मजनू। ये क्या हो रहा है? ये हॉस्पिटल है या लवर्स बार? अरे हमारी भेड़ा, ओ हमारी भेड़ा, तुम लोग क्या छे? हमारी भेड़ा, हे भगवान, आंसू थई गई हमारी भेड़ा ने। तुम कौन हो? अरे डॉक्टर, ये छोकरी मारी भेड़ छे। ये दोनों एक दूसरे को घनो प्रेम करे छे। मारा बापा है, शादी माटे मना करी दीदू, ये मस्त घूमी गयो। मैं पागल थई गई डॉक्टर साहब, पागल थई गई। तभी कुछ करो, तभी कुछ करो डॉक्टर साहब। We'll be right back.
हम कौन है, हम क्या है, हमने तो यही जाना। हम भी तेरे आशिक हैं, दिल भी तेरा दीवाना। हो गया राजपुरी, बहुत बेगुनाहों के खून से होली खेली है तुमने, अब तुम्हारी चिता जलने का समय आ गया। अकबर ले चलो इसे। एक मिनट मिस्टर अकबर, एक मिनट। खेल जरूर खत्म हुआ है मगर मेरा नहीं बल्कि आपका मिस्टर अरुण, क्योंकि राजपुरी के ये हाथ तुम्हारे कानून के हाथ से बहुत ज्यादा लंबे हैं। अगर विश्वास नहीं आता तो गर्दन घुमा के
उस तरफ देख लो। सॉरी अकबर साहब, अरुण साहब जरा इतराज ना हो तो आप जरा शराफत के साथ उस वैन में जाके बैठ जाइए। बैठो। चलो हरी अप, अब जाओ उस हरामजादे महावीर को तलाश करो, उसे जान से मार डालो और उसकी लाश को लाके मेरे कदमों में डाल दो। जाओ। महावीर, ये सब क्या है? कौन है ये? ये राजपुरी का आदमी है साहब। राजपुरी के आदमी आपकी पत्नी, आपके भाई राधा और अकबर को पकड़ कर ले गए साहब। क्या, कहाँ ले गए? मालूम नहीं साहब, वो लोग तो निकल गए, मेरे हाथ में ये आया, मैं इसे पकड़ कर ले हूँ साहब। इसे सब मालूम वो कहाँ गए, उसे ऐसे वो कहाँ ले गए। बोल, कहाँ ले गए उन्हें? कहाँ ले गए उन्हें? ये कुछ पता नहीं। तुम्हें मालूम? तुम्हें सब मालूम है। बोल, 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 बोल। कुछ मालूम नहीं मुझे। आप इसे छोड़ दीजिए साहब, इसे हम बुलवाएंगे। वेल डन मिस्टर राजपुरे, वेरी वेल डन। हमारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा, दूर से चुभने वाला मगर कभी ना हाथ आने वाला, आज हमारे हाथ आ ही गया। तो हिंदुस्तानी सरकार के वफादार सिपाही, मेंबर ऑफ आईटी, आखिर तुमसे मुलाकात हो ही गई। हम तुमसे मिलने के लिए बहुत बेचैन थे, और इस मुलाकात के लिए मैं तुमसे ज्यादा बेचैन था मिस्टर कोया कोया एटाची। यू नो माई नेम? मैं तुम्हारा सिर्फ नाम ही नहीं, तुम्हारी पूरी हिस्ट्री जानता हूं। तुम कहां के रहने वाले हो, कहां पैदा हुए हो और कहां मरने वाले हो। रियली? तो फिर ये भी जानते होगे कि हम यहां पर क्यों आए हैं और बहुत जल्द क्या करने वाले हैं, हमारा मकसद क्या है। नहीं, हम बताते हैं। तुम्हारा ये देश शांति शांति के बहुत नारे लगा रहा है। इस देश में और दुनिया के दूसरे गरीब देशों में जहां हमने तबाही मचा रखी है, तुम्हारा यह देश वहां आतंक और टेररिज्म की जड़ों को उखाड़ कर उसके जगह अमन और शांति की फसल उगाना चाहता है, और हम उस शांति की फसल को काटने आए हैं। और कल इसी विश्व शांति के लिए यहां पर बहुत बड़ी मीटिंग होने जा रही है, दुनिया के बड़े बड़े लीडर आ रहे हैं, और हम उन तमाम लीडरों को तुम्हारे इस देश की धरती पर मौत के घाट उतार कर यहीं से अशांति की शुरुआत करेंगे, और फिर तुम्हारा देश टेररिज्म की आग में जल उठेगा। दुनिया के तमाम देशों से तुम्हारा संबंध कच्चे धागे की तरह टूटकर रह जाएगा। अब सवाल यह पैदा होता है कि उन लीडरों के अतराफ जो लोहे की दीवार से भी ज्यादा सख्त पैरा होगा, तो हम वहां पहुंचेंगे कैसे, तबाही मचाएंगे कैसे? बड़ी आसान सी बात है, जिस तरह छुरी मक्खन में घुस जाती है उसी तरह हम भी वहां पहुंच जाएंगे, और यह पहुंचाने का काम तुम करोगे। कभी नहीं। ये काम तुम करोगे और तुम्ही को करना होगा, क्योंकि गवर्नमेंट के आदमी होने के नाते तुम्हारे पास वो इख्तियार हैं कि तुम कहीं पर किसी भी वक्त जा सकते हो, चाहे वहां पर कितना ही सख्त पैरा क्यों ना हो। इसलिए जैसे ही वो तमाम मेंबर्स मीटिंग हॉल में पहुंचेंगे, तुम हमारे आदमियों को सिक्योरिटी गार्ड्स के लिबास में मलबूस वहां लेकर जाओगे। उसके बाद क्या करना है हमारे आदमी अच्छी तरह जानते हैं। बेवकूफ हो तुम, हम सर फरोश है वतन फरोश नहीं, हम अपने देश के लिए सर कटा देंगे लेकिन अपना देश बेचेंगे नहीं। ऐसा हम हरगिज नहीं होने देंगे। विदेश के हाथों बिककर देश में अशांति फैलाने वालों के सर कुचल देंगे। गुंडा कर दी, लूट मार और दहशत से तबाही मचाने वालों का नामो निशान मिटा देंगे।
नेताओं को मारकर हमारे देश को अनाथ बनाने की साजिश करने वालों को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। देशद्रोहियों का बीज नाश करने के लिए हम अपने खून की एक एक बूंद बहा देंगे। हम आपके साथ हैं साहब। कर कर के मार खा खा के अपनी जवानी में आग मत लगाओ। हमसे हाथ मिला लो, फायदे में रहोगे। गोल्ड और डायमंड में तोल कर रख देंगे तुम्हें। वो कोई और लोग होंगे जिनका ईमान दौलत की गर्मी से पिघल कर बेईमानी के सांचे में ढल जाता है। मैं कोई राजपुरी नहीं जो दौलत की हड्डी को देखकर भूखे कुत्ते की तरह तुम हिलाने लग जाऊं। यू ब्लडी बास्टर्ड, मार इसको। तू ऐसे नहीं बोलेगा, अभी बोलेगा। उधर देख, ये तेरी भाभी माँ है। वो घिनौना अंजाम करेंगे कि एक बार चंगेज खान की रूह भी कब्र में कांप उठेगी। नहीं अरुण, इसकी बेहुदा धमकी से डरकर तू देश के साथ गद्दारी मत करना। हजारों लोगों ने बोट के जरिए आकर हमारे अड्डे को चारों तरफ से घेर लिया है। तो गार्ड दो, कमांडोज को हुक्म दो कि उन सबको भून डालें।
इनका ख्याल रखो, चलो।
महावीर, महावीर जिला साहब। महावीर भैया, भैया अरुण। हे भैया, महावीर चलो साहब, आज आखिरी बार भागा। जेल की दीवार पार कर नहीं, मैं आज जिंदगी की दीवार पार कर जा रहा हूं। जेल साहब, जेल साहब, मेरी बहन मुझे बुला रही है। जेल साहब, वो बिमला मुझे बुला रही है। जेल साहब, जेल साहब। मिनिस्टर साहब, आज बहुत से हमारे साथी हमारे बीच नहीं है। देश की रक्षा के लिए, धरती मां को बचाने के लिए उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया। हम कैदियों में कोई चोर है, कोई डाकू है, कोई खूनी है, लेकिन हमने जब यह सुना कि हमारे देश की इज्जत, हमारे देश की लाज, हमारे देश की आबरू खतरे में है, तो हमारे दिलों में आग लग गई। हमारे दिलों में वतन की मोहब्बत का जो जज्बा था, वो एक लावे की सूरत में ज्वालामुखी बनकर फूट पड़ा, और उस आग में हमने देश के दुश्मनों का सत्यानाश कर दिया, उनको जला के खाक कर दिया। काश देशभक्ति के ऐसे जज्बात हमारे हर भाई बहन के दिल में पैदा हो जाएं, तो फिर कोई मजहब के नाम पे कत्ल खून न करे, हमारे देश में कोई उग्रवादी पैदा ना हो, और देश की एकता और अखंडता पे कोई आंच ना आए। हम सब देश के रखवाले बन जाएं, वतन के रखवाले बन जाएं, और अपने देश को महान बनाएं। मिनिस्टर साहब, हम कैदी हैं, हमने जेल तोड़ी है, हमने कानून अपने हाथ में लिया है, इसकी जो सजा आप हमें देना चाहें हमें मंजूर होगी। मिस्टर सूरज प्रकाश, मैं इस सरकार से अनुरोध करूंगा कि वो फिर से आपको देश की सेवा करने का मौका दे। वतन के रखवाले, वतन के रखवाले। जिस धरती के अंग अंग पर रंग शहीदों ने गाले, उस धरती को दाग लगे ना, उस धरती को दाग लगे ना। देख वतन के